Alright friends, in this video we are going to talk about 100 questions जो कि geography से बार बार पूछे जाते हैं geography Lucent से. तो शुरुआत करते हैं. भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? इसका जवाब है चोलामु. अगला सवाल, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? क्या जवाब है? सांभर. केरल का वेलिंगटन द्वीप कौन सी झील पर स्थित है? इसका जवाब है वेम्बनाड. भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका जवाब है कर्नाटक. पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका जवाब है पालनी पहाड़ी. अगला सवाल, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल अंतराल है? तो इसका जवाब है मन्नार खाड़ी. अगला सवाल, मालाबार तट पर स्थित पश्च जल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका जवाब है कयाल. मालवा का पठार कौन से दो राज्यों में है? तो जवाब है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़. अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल होगी? जवाब है चावल. कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? जवाब है काली मिट्टी. बांगर व खादर कौन सी मिट्टी के प्रकार हैं? जवाब है जलोढ़ मिट्टी. अगला सवाल, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जवाब है काली मिट्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कौन से वर्ष में किया गया? जवाब है 1953. विटीकल्चर कृषि विधि से कौन सी खेती की जाती है? जवाब है अंगूर की खेती. देश में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? जवाब है पंजाब. अगला सवाल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कौन से शहर में है? जवाब है भुवनेश्वर. यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? जवाब है झारखंड. एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र भारत के किस स्थान पे स्थापित किया गया है? जवाब है सिंदरी. भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जवाब है विशाखापट्टनम. देश का कौन सा बंदरगाह रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? जवाब है दाहेज बंदरगाह. भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? यह हमारा पहला की क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था और ये अभी हमने डिस्कस किया है पिछले 20 क्वेश्चंस में. तो क्या जवाब होगा? ऑप्शंस हैं रागी, गेहूं, मक्का या चावल. तो सही जवाब है चावल. सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जवाब है लक्षद्वीप. देश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से राज्य में है? जवाब है अरुणाचल प्रदेश. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? जवाब है नागार्जुन सागर. विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ कौन से राज्य में स्थित है? जवाब है मणिपुर. कुर्नूल कौन सी नदी के तट पर बसा है? जवाब है तुंगभद्रा नदी. विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडली कछुए का प्रजनन स्थल कौन से नेशनल पार्क में है? जवाब है
भीतरकनिका नेशनल पार्क? ये सवाल कई जगह पूछा जाता है ऑलिव रिडली टर्टल या कछुए के बारे में। जोग जल प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जवाब है शरावती नदी। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? जवाब है पश्चिमी विक्षोभ के कारण या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कौन सी ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? जवाब है शरद ऋतु में। किस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? यहां भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है? जवाब है व्हीलर द्वीप। कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं? जवाब है सोन नदी। कौन सी नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है? जवाब है नर्मदा नदी। कौन सी नदी को बांग्लादेश में सूरमा और मेघना के नाम से जाना जाता है? जवाब है बराक। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? जवाब है लूनी। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक क्षेत्र किस खनिज के स्रोत हैं? जवाब है कोयला। भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जवाब है इलायची, या जिसे हम कार्डेमम हिल्स भी कहते हैं। पुलिकट झील कौन से राज्य में स्थित है? जवाब है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। देश में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से राज्य में की जाती है? जवाब है तमिलनाडु। अरेबिका किस फसल का प्रकार है? जवाब है कावा। बोकारो स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब ये आता है हमारा अगला की क्वेश्चन, जो कि MPPSC 2018 में पूछा गया था। भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? ऑप्शंस हैं अन्नामलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी या इलायची। तो सही जवाब क्या है जो अभी हमने पिछले 20 क्वेश्चंस में देखा था? इसका जवाब जवाब है इलायची या कार्डेमम हिल्स। जूट निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जवाब है द्वितीय, दूसरा। मैग्नेसाइट खनिज का सर्वाधिक भंडार कौन से राज्य में है? जवाब है उत्तराखंड। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जवाब है रांची, ये रांची में स्थित है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। यदि रेल पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर है तो ये किस प्रकार की लाइन है? जवाब है मीटर गेज। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जवाब है इंदौर। असम हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है? जवाब है तीस्ता एवं देहांग नदियों के मध्य में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगा का उद्गम होता है, यहाँ इसे किस नाम से पुकारते हैं? जवाब है भागीरथी। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? जवाब है चंबल। महासिर नाम की मछली किस नदी से संबंधित है? जवाब है अलकनंदा। वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जवाब है उड़ीसा। कोलेरू झील कौन से राज्य से संबंधित है? जवाब है
आंध्र प्रदेश। लक्षद्वीप समूह उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोर द्वीप में किस चैनल द्वारा विभाजित है? जवाब है 11 डिग्री चैनल। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? जवाब है आंध्र प्रदेश। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है और हाल फिलहाल में ये हरियाणा के पीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दक्षिण भारत की कौन सी दो बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया? जवाब है गोदावरी एवं कृष्णा। मक्का के वाइट बर्ड रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? मक्का में वाइट बग रोग। जवाब है जस्ता। शेल गैस के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उत्पाद जिसका कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? जवाब है ग्वार गोंद। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सी परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं? जवाब है 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि वाली। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जवाब है ओडिशा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिशा। अब ये आ गया हमारा अगला की क्वेश्चन, और क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। वह कौन सा विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शातूश नामक इसके ऊन के लिए होता है? जवाब है चीरू। एशिया का सबसे बड़ा रोप वे कहाँ स्थित है? जवाब है गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली के बीच में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कौन से वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? जवाब है 2045 तक। दुर्गा बैराज परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। वह कौन से दो राज्य हैं जिनमें कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? जवाब है नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? जवाब है अरुणाचल प्रदेश। देश के सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नागरहोल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जवाब है कर्नाटक। नीलगिरी क्षेत्र की मूल जनजाति टोडा किस राज्य से संबंधित है? जवाब है तमिलनाडु। वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? जवाब है थारू। लद्दाख की घुमंतू जनजाति जो पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं वह कौन सी है? जवाब है चंपा समुदाय। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब है बेतवा नदी। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जवाब है ओडिशा। बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब है चिनाब नदी। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? वूलर झील। कितने देश भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगे हैं? जवाब है 3।
कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होके जाती है? जवाब है 8। लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? जवाब है जोजिला दर्रा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? जवाब है नीलगिरी पहाड़ी। कराकोरम पर्वतीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब है गॉडविन ऑस्टिन। अब ये आता है हमारा अगला की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शंस हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल, या फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब इसका जवाब हमने पिछले 20 क्वेश्चंस में पढ़ा था, तो जवाब क्या है, कौन सा मेल सही नहीं है? तो उत्तर है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत दिया हुआ है, सही जवाब हमने अभी पढ़ा था। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? जवाब है अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? जवाब है उत्तराखंड। उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब है शिप्रा। सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो इसका जवाब है 20%। अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी आखिरी बार कब सक्रिय हुआ? जवाब है वर्ष 2017 में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान CSIR NEERI एक अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ स्थापित किया गया था? जवाब है नागपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जवाब है जबलपुर। भारत में किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? जवाब है हरियाणा। इदुकी जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? जवाब है पेरियार। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब है ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का स्थान कौन सा है? जवाब है मौसिनराम मेघालय। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जवाब है अरब सागर। कपास की औसत उपज भारत में सबसे अधिक कहाँ है? जवाब है आंध्र प्रदेश। भारत का उच्चतम जलप्रपात कहाँ है? जवाब है जोग जलप्रपात। नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना किस स्थान पर स्थित है? जवाब है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो जवाब क्या होगा, पंजाब। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जवाब है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जवाब है NH 44। महाबलेश्वर से कुल कितनी नदियां निकलती हैं? जवाब है 5, और इनके नाम है कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना। किस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी है? जवाब है धारवाड़ का पठार। अब ये आता है हमारा आखिरी की क्वेश्चन, जो कि BPSC 2018 में पूछा गया था। सवाल है, कपास की औसत उपज भारत में सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, बिहार,
असम या आंध्र प्रदेश? तो इसका जवाब हमने अभी पिछले 20 क्वेश्चंस में पढ़ा है, जवाब है आंध्र प्रदेश। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत मदद होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।